जय हिंद, जय भवानी, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, जय बीएसपी, जय भीम सेना, विजय भीम सेना, विजय बीएसपी, जय तेजा जी, जय महाराणा, जय बाबा रामदेव। साथियों, बाबा साहब को मेरे एटम बम के बराबर युवा साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, इस मारवाड़ के क्षेत्र में आप ये समझिए कि बदलाव का संकेत है। आपको एक बात बताता हूं, आपने पता होगा ना, एक साथी अपने साथ है, तो ये छोटी सी चींटी जो है ना, ये हाथ को भी और कमल को भी खोखला कर देगी, खोखला। और साथ में मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रत्याशी हो, सबसे बेहतर, निष्ठावान, ईमानदार, जुझारू, जनप्रिय जो प्रत्याशी है वो गजराज कंवर है। इनके मुकाबले में पहले कहे जाते थे, लेकिन अब नहीं कहे जाते। अब एक तरफा जोर होगा, ये लोग पैसा फेंकेंगे, दारू पिलाएंगे, लेकिन हम अपने जोश से लड़ेंगे, अपने जज्बे से लड़ेंगे और गजराज कंवर को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। भीमसेना की तरफ से पूरा समर्थन गजराज कंवर के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आप बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास उठा करके देख लो, चार बार सरकार रही है और उन चार बार सरकार में यूपी के अंदर से गुंडों को या तो यूपी से बाहर भगा दिया या फिर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। राजस्थान में गुंडा राज बढ़ गया है और सबसे बड़ा गुंडा राज सरकार कर रही है। सरकार गुंडा राज कर रही है और उस गुंडा राज का अंत कौन करेगा? हाथी दौरा चला रहा है और विधानसभा में जाकर के चिंगाड़ मारेगा, हवा में उड़ जाएंगे सारे। आवश्यकता नहीं आ रहा ऐसे लोगों की जो ना गरीब की सुनते हो ना क्षेत्र की सुनते हो। क्षेत्र के विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है अब तक लोगों को, और लोगों के विकास के नाम पर इन्होंने छोटे छोटे लॉलीपॉप दे दिए कि सिर्फ योजनाएं, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। लाभ मिलता है तो आप बता दो मुझे, कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है, ये पैसे का राज आप नहीं चलेगा, ये पैसे का राज नहीं चलने वाला। आप राज आएगा गरीब का आएगा। और बात बता दूं, ये महाराणा प्रताप की धरती है, यहां पर शेरों ने जन्म लिया है, राजस्थान की धरती राजाओं की धरती है, यहां पर कुप्पा राव जी ने जन्म लिया है, यहां पर न जाने कितने कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने और महाराजाओं ने जन्म लिया है। यहां इस राजस्थान के अंदर अगर आज बदलाव नहीं किया गया तो दोबारा से यह मौका कभी भी हाथ नहीं आएगा, याद रखना मेरी बात को। आज हम लोगों को एकजुट होकर के इनके हाथों को मजबूत करना है, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है, गजराज कंवर जी के हाथों को मजबूत करना है। और मारवाड़ तो मारो प्यारो मारवाड़ है भाई, मारवाड़ की धरती से हम बहुत प्यार करते हैं और मारवाड़ का बच्चा बच्चा, मारवाड़ के युवा साथी, मारवाड़ की हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मुझे मालूम है कि हमारी बात को गिरने नहीं देंगे बिल्कुल भी। हाथी का बटन दबाओ, बस हाथी का बटन दबाओ, ना जाने छोटे मोटे कितने आए और कितने चले गए, दलितों को ठगा जा रहा है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, राजपूत कौम शेरों की कौम है और दलित कौम भी बब्बर शेरों की कौम है, ये दोनों कौम जिस दिन एक हो गई ना, उस दिन सत्ता को उखाड़ फेंक देंगे और राज एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। यह बात ध्यान रखना आप, महापुरुषों ने अपना खून बहाया है हमारे लिए, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने परिवार की कुर्बानी दी है, किसके लिए? हमारे लिए।
आज हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आज हमें इस देश के लिए अपनी जो अहम जिम्मेदारी है, जो महापुरुष हमारे जिम्मेदारी छोड़ के गए हमारे कंधों पर, महाराणा प्रताप जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, माननीय साहब काशीराम जी, और जिंदा देवी है हमारे सामने बहन मायावती जी, आज हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। अगर आज आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आने वाली पीढ़ियां आपको गद्दार कहेंगी। गद्दार, याद रखना। क्या गद्दार बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते ना, तो इसलिए ईमानदारी से अपना फर्ज निभाओ, हाथी का बटन दबाओ भी और दबवाओ भी। ना जाने छोटे मोटे कमल छाप हाथ छाप कितने आए और कितने चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं समझते। और हाँ, याद रखना, कभी भी भीड़ से लड़ाई नहीं भी जीती जाती। आप बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने दिल में जज्बा जगाना पड़ता है। शेर तो एक ही होता है, और गीदड़ कहां चलते हैं? गीदड़ गीदड़ों के झुंड में चलते हैं, और शेर हमेशा अकेला चलता है। मेरे भाई नरेंद्र जी, नरेंद्र राठौर जी, अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े हैं, मरते दम तक उनके साथ खड़े हैं। गजराज कंवर जी, अपने आप को अकेला ना समझे, हमारा बच्चा बच्चा आपका साथ देगा। और यह हमारी जुबान की कीमत है, अगर हमने जुबान दे दी तो उसको पूरा करेंगे। ये है मेरे भाई नरेंद्र राठौर जी, ये करेंगे क्षेत्र का विकास और जातिवाद को भी समाप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। या बार बार कहते ना जातिवाद के नाम पर, अरे जातिवाद फैलाने वाला कौन आपको पता है? बीजेपी और कांग्रेस। हम और आप तो कोहरा बन जाते हैं बस, नहीं तो राजपूत कौम और मेघवाल कौम दोनों एक सिक्के के दो पहलू रहे हैं हमेशा। राजपूत के बिना मेघवाल का काम नहीं हो सकता, और मेघवाल के बिना राजपूत का काम नहीं हो सकता। राजस्थान में ये एकता दिखा दो। और मैं सभी, जब जाति का नाम मैंने ले लिया है तो मैं अपने और भाइयों का भी नाम लूंगा, मेरे जाट भाई, मेरे मीणा भाई, मेरे ब्राह्मण भाई, ये सभी जितनी भी कौम है, 36 कौम, सबका नाम ना ले पाऊं, गुज्जर कौम, सारी की सारी 36 कौम जो है मेरी, आज एकजुट होकर के बहन गजराज कंवर को और नरेंद्र राठौर जी को विधानसभा में भेजने का काम करो। अगर आपने इनको विधानसभा में भेज दिया तो किसी के यहां चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी काम कराने के लिए, ये आपके पास दौड़े चले आएंगे, बस एक बार याद करके तो देख लेना। और भाई जीतने के बाद काम ना करे तो मुझे पकड़ लेना, कोई दिक्कत हो, गलती हो, जीतने के बाद काम ना करे तो मुझे पकड़ लेना। पूरे तन मन धन और गन के साथ भी हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। यहां ये जेताजी राव कुप्पाजी राव की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीर दुर्गादास की धरती है, ये बाबा रामदेव की धरती है। यहां वीरों ने जन्म लिया है, हम कोई बुजदिल नहीं है। हम अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज ठान लो हम दारू में नहीं बिकेंगे, आज ठान लो हम पैसों में नहीं बिकेंगे, आज ठान लो हम ऐरी गैरी नक्थू खैरी छोटी मोटी पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे। और 70-75 सालों से राज कर रहे ये बीजेपी कांग्रेस वालों के बहकावे में भी नहीं आएंगे। ऐरी गैरी नक्थू खैरी छोटी मोटी पार्टियों से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, बाकी बीजेपी और कांग्रेस का मैंने खुल के नाम ले दिया है। अगर कोई आपका अपना है तो यहां खड़े हैं भाई, पहचान लो। अगर अब नहीं पहचाना ना तो समझो कभी नहीं पहचाना। अरे जीतने के बाद पकड़ तो लोगे आप मुझे, नहीं तो मैं हाथ नहीं आने वाला हूं, क्योंकि आज तक मैं पुलिस के हाथ नहीं आया, चुपके से सेंधमारी करते हैं। तो बेटर यही है, सबसे बेहतर है कि आप अपनी एकता का परिचय दो और दिखा दो इन धन्ना सेठों को, दिखा दो इन दारू वालों को, दिखा दो इन पैसे वालों को, दिखा दो।